नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल जो एक प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ठंड के मौसम में, वो है एक तरह का वायरस जिसका नाम है गिजर्ट शेड। इस बीमारी से बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहते हैं। आमतौर पे इस बीमारी को हम लोग रेड डिजीज या लाल रोग के नाम से जानते हैं। तो ये असल में एक वायरस है जो बहुत ही खतरनाक है। कुछ साल पहले मेरे पास इस तरह का वायरस आया था अपना फिश पॉन्ड में, बहुत ज़्यादा नुकसान ये वायरस किया था। हमने बहुत सारा मेडिसिन का इस्तेमाल किया, फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद मुझे पता चला कौन सा मेडिसिन है जो मारने से ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो उसका इलाज किए। और आज से उस समय से लेके आज लगभग 4-5 साल ये बीमारी वापस नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, पूरा जानकारी ले लेना है, तो आप इस तरह का बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वायरस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम में ताकतवर बनते हैं, लेकिन गर्मी में उसका ताकत नहीं रहता है। लेकिन उस टाइम ये फिश पॉन्ड में रहता तो है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। मछली को वो किसी तरह का प्रॉब्लम करता ही नहीं है, वो जानता है उस टाइम अगर वो मछली को अटैक करेगा तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका समय जो है वो ठंड के मौसम में है, उस समय अगर मछली को अटैक करता है तो बहुत ही जल्दी वो अपना क्षमता जो है वो दिखा पाएगा। तो वही काम ये वायरस भी करता है। ये गर्मी का सीज़न में अपना फिश पॉन्ड में रहता है, लेकिन कुछ नहीं करता है, हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो जब ठंड आने लगता है, यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक, ये समय बहुत ही खतरनाक होता है। ये वायरस इस समय ज़्यादातर सक्रिय हो जाता है और मछली को मारना स्टार्ट कर देता है। तो ये समय बहुत ही क्रिटिकल होता है फिश फार्मिंग के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग हर महीने चूने का इस्तेमाल करें, हर महीने पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इसको करते नहीं है। वो लोग सोचते हैं थोड़ा खर्चा हो जाएगा, बार बार डालेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, तो जब कुछ प्रॉब्लम होगा तभी करेंगे, तो वही प्रॉब्लम जो है हो जाता है। तब किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपना मछली को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी रहते हैं, खर्चा भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने देखा ज़्यादातर पुराना वाला फिश पॉन्ड में होता है। फिश फार्मिंग का एक नियम होता है, हर साल फिश पॉन्ड को तैयार करना होता है, यानी पुराने पानी को फेंक देना है, फिर नया पानी से फिश पॉन्ड को तैयार करके अगर आप लोग फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें इस तरह का दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो जिस बहुत सारे किसान भाई के पास इस तरह का सुविधा नहीं होता है, क्योंकि फ़िश पॉन्ड काफ़ी बड़ा होता है, किसी के पास सुविधा होता भी है तो वो लोग करते नहीं हैं। तो उस तरह का पुराना फिश पॉन्ड में इस तरह का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अपना फिश पॉन्ड में पुराना पानी रहता है तो उसमें वायरस रह जाता है, बैक्टीरिया रह जाता है, जो गर्मी के मौसम में तो शांत हो जाता है लेकिन ठंड आने के साथ साथ ताकतवर होता है और अपना मछली को क्षति पहुँचाना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करें अपना फिश पॉन्ड को तैयार करें, हर साल खाली करके नया से स्टार्ट करने के लिए, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कभी कभी इस तरह से अगर हम लोग अपना फिश पॉन्ड को तैयार करते हैं तो भी हमें ये वायरस का दिक्कत होता है। तो इसका और एक रीज़न ये है कि कभी कभी हम लोग अपना फिश पॉन्ड में मछली छोड़ने के लिए मछलियाँ खरीदते हैं, वो दूर से ही लाते हैं, किसी और फिश पॉन्ड से लाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है उस फिश पॉन्ड में कोई किसी तरह का बीमारी है या नहीं है। जब हम लोग मछली खरीदते हैं और अपना फिश पॉन्ड में छोड़ते हैं तो उस दौरान भी हमें इस तरह का वायरस अपना फिश पॉन्ड में आने का खतरा रहता है, जिससे अपना फिश पॉन्ड इफेक्टेड हो सकता है। तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। फिलहाल मैं जानता हूँ अगर कभी मछली खरीदना है तो जिस फिश पॉन्ड में मछली छोड़ता हूँ तो पहले इसका इलाज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ ये कितना खतरनाक है और इसका प्रॉब्लम मैंने झेल लिया है। और एक रीज़न है नेटिंग। कभी कभी अपना फिश पॉन्ड में हम लोग नेटिंग करते हैं मछली देखने के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए, तो उस दौरान जो किसान भाइयों के पास खुद का नेट नहीं है वो लोग क्या करते हैं, भाड़े पे नेट लाते हैं, जो दूसरा मछुआरे के पास जो नेट रहता है उसका धंधा ही यही रहता है, यानी काम यही है
दूसरे का फिश पॉन्ड में जाल गिराना, मछली पकड़ना, मार्केट में सेल करने में उनको मदद करना। तो उस दौरान ये लोग किसी तरह का इफेक्टिव फिश पॉन्ड में जाते हैं और मछली उठा के मार्केट में सेल करवाते हैं। तो वही नेट को अगर अपना फिश पॉन्ड में लाते हैं, लाके हम लोग मछली पकड़ते हैं, तो उस दौरान भी हमारा फिश पॉन्ड इफेक्टेड होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से अपना फिश पॉन्ड में ये वायरस आने का खतरा रहता है। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वायरस का अलग अलग लक्षण होता है, अलग अलग मछलियों में इस लक्षण को देखा जाता है। पहले लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक आते आते ये इसका चेंजेस होता रहता है। तो मैं कुछ लक्षण आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहला लक्षण जो है वो इस तरह से दिखता है, जिसमें इसका चैटा जो है वो निकलने लगता है। तो इससे इसका स्टार्टिंग इस तरह से होता है। फिर कुछ समय जाने के बाद इसके शरीर में लाल लाल धब्बा जो है वो हमें देखने को मिलता है, और ये धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता है और चारों तरफ ही फैलने लगता है। ये मुंह के आसपास, आंखों के आसपास इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और फिर कभी कभी हमें इसका एनस की तरफ भी हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे भी लाल लाल दिखेगा और फुलता हुआ नज़र आ जाएगा। फिर कंधे के नीचे यानी पंख के आसपास भी हम लोग अगर देखेंगे तो हमें इस तरह से लाल होता हुआ दिखेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और बढ़ने के साथ साथ ये जो लाल लाल धब्बा है वो घाव का रूप लेता है। फिर यहीं से जो मछली का बॉडी है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो जिंदा मछली का बॉडी गलने लगता है। कई बार और कुछ भी देखने को मिलता है, जैसे पूरा बॉडी लाल हो जाना, पूंछ के आसपास गल जाना, फिर इस मछली का आग जो है लाल होता हुआ बाहर की तरफ निकलता हुआ भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर अपना फिश पॉन्ड में हो रहा है तो आप लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, जो गलतियां नहीं करना है, आपका फिश पॉन्ड का जो मछली है इसको दूसरा फिश पॉन्ड में नहीं डालना है। कई बार लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, दूसरा फिश पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे इस वायरस दूसरा फिश पॉन्ड में भी जा सकता है और अपना फिश पॉन्ड दूसरा वाला फिश पॉन्ड को भी इफेक्टेड कर सकता है। तो ये गलतियाँ ना करें, इसी फिश पॉन्ड में मछली को रखना है और इसमें ट्रीटमेंट करना है। तो मैं अभी इसका मेडिसिन दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत सालों से इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह का जब दिक्कत आया था तब मैंने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। इसका नाम है सुक्रीना WS और ये बीरबेक कंपनी का है, और ये मेडिसिन मुझे दिया था मन्नादा ने, बोलन उनने उन्होंने बोला था दादा इसको आप इस्तेमाल करो तो 3-4 दिन में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। असल में मैं इसको इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तब से लेकर आज तक इसको इस्तेमाल करता हूँ। 3-4 महीना जो ठंड का मौसम है उस समय इसको अगर आप लोग एडवांस ही इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का बीमारी, इस तरह का वायरस और लाल डिजीज जो हम लोग जानते हैं, लाल रोग, ये बीमारी अपना फिश पॉन्ड में देखने को नहीं मिलेगा। कई बार मैंने ये किसानों को दिया, वो उनका फिश पॉन्ड में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर चुके थे और इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिला। वो उन लोगों का फिश पॉन्ड में मछलियाँ स्वस्थ हो चुकी थी। तब से लेके आज तक वो लोग जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते थे वो लोग हमेशा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं हर ठंड आने से पहले ही। तो ये जो मेडिसिन देख रहे हैं इस ये किसान भाई के लिए था, इन्होंने हमें फ़ोन करके मंगाया था। तो मेरे पास हर रोज़ 4-5 किसान आते हैं और जो इसका अच्छा रिजल्ट जानते हैं वो लोग आके इसको पहले ही मार देते हैं। तो आप लोगों का फिश पॉन्ड में इस तरह का दिक्कत हो चुका है तो आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसका डोजेस है 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए ये 500 ml का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपका फिश पॉन्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसमें डोजेस डबल हो जाता है। जैसे कि 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए आप लोगों को 1 लीटर का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों का फिश पॉन्ड में हल्का थोड़ा प्रॉब्लम है तो 1 एकड़ फिश पॉन्ड के लिए आप लोगों को सिर्फ 500 ml का ही इस्तेमाल करना है। इसी से इसका 3 डोजेस आप लोगों को करना है। इससे अपना फिश पॉन्ड में इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएगा।
दोस्तों इसका 3 डोज 3 दिन का गैप होना चाहिए, यानी फर्स्ट डोज के 3 दिन बाद सेकंड डोज, सेकंड डोज के 3 दिन बाद थर्ड डोज, इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्सचर करके अपना फिश पॉन्ड में चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों को करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो इससे बहुत सारा किसान भाइयों का मदद भी हो सकता है। तो दोस्तों और एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने बताया ठंड के मौसम में किस तरह से अपना फिश को हम लोग सेव कर सकते हैं, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा इसका थंबनेल और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सीधा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।